गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम फ्रॉम लोकमान तिलक स्कूल. स्टूडेंट टेल मी कि हैव यू टेकन योर ब्रेकफास्ट? वेरी गुड. वी शुड ईट आर मील ऑफ द डे ऑन द टाइम. हम लोग को अपना खाना समय पे खाना चाहिए. वी शुड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर डेली. चिल्ड्रन, यू नो वाटर इज वेरी इम्पॉर्टेंट इन आर लाइफ. हमारी लाइफ में पानी की बहुत महत्व है. हमारे जीवन में पानी का है ना. वाटर इज वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर अस. ओके, वी नीड वाटर फॉर मैनी थिंग्स, है ना. एंड देर आर मैनी सोर्सेज ऑफ वाटर. एंड वाटर इज necessary for our life. And water is very precious thing. बहुत ही precious है हम लोग के लिए, बहुमूल्य है. क्या चीज़? पानी. Write one way in which you have used water today. आपने आज पानी किस किस चीज़ के लिए अभी तक use किया, बताइए. सानवी, आपने किस लिए यूज किया? आपने खाना नहीं बनाया, खाना आपकी मदर ने बनाया है. सबसे पहले ब्रश करने के लिए वाटर यूज किया, टॉयलेट गए वाटर यूज किया, देन यू बाथ, तुम नहाए, तब आपने पानी को इस्तेमाल किया. सुबह से तीन बार आप यूज़ कर चुके हैं. सबसे पहले ब्रश करने के लिए, टॉयलेट गए तो फिर हैंड वॉश के लिए, देन यू हैव बाथ, जब आपने नहाया तब. इन तीन तरीके से आपने वाटर यूटिलाइज किया. ओके, किया ना निहाल? फॉर ब्रशिंग आर टीथ, फॉर वॉशिंग आर हैंड्स, एंड फॉर एंड वी बाथ फ्रॉम द वाटर. पानी से हम नहाए भी हैं. वी नीड वाटर टू सर्वाइव. सर्वाइव मतलब हमें जिंदा रहने के लिए भी पानी की ज़रूरत है. और आप सब ने नाश्ते के साथ भी पानी को पिया है. वी नीड वाटर फॉर ड्रिंकिंग. हम लोग को पानी की ज़रूरत किस लिए होती है? ड्रिंकिंग के लिए, पीने के लिए, बाथिंग नहाने के लिए, वॉशिंग धुलाई के लिए. किसी भी चीज़ की वॉशिंग हो सकती है. आप कपड़े धो सकते हैं, आप बर्तन धो सकते हैं, आप अपनी कार वॉश कर सकते हैं. कोई भी चीज़ वॉश करने के लिए आपको वी नीड वाटर. ठीक है, फॉर कुकिंग, फॉर वाटरिंग प्लांट्स एंड क्लीनिंग. सफाई के लिए भी हमें पानी की ज़रूरत रहती है. एनिमल्स एंड प्लांट्स ऑल्सो नीड वाटर टू लिव. सबसे पहले तो हमें ज़िंदा रहने के लिए पानी की ज़रूरत रहती है. इसी तरह प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड प्लांट्स दोनों को भी पानी की ज़रूरत रहती है. किस लिए? टू लिव, जिंदा रहने के लिए. एनिमल्स नीड वाटर टू कीप देयर बॉडीज कूल. एनिमल्स को अपनी बॉडी कूल करने के लिए भी वाटर की ज़रूरत रहती है. बिकॉज दे डोंट वेयर क्लॉथ्स, वो कपड़े नहीं पहनते, तो अपने आप पे पानी डाल डाल के अपनी बॉडी को ठंडा करते हैं. व्हेन इट गेट्स वेरी हॉट, जब बहुत गर्म हो जाता है, तो एनिमल्स जितने भी होते हैं वो अपने आप पे वाटर डालते हैं, या उनके जो भी वो गार्ड होते हैं या उनको जो भी रखते हैं अपने पास, वो उनके ऊपर वाटर डालते हैं. टू कीप देम कूल, उनकी बॉडी को कूल रखने के लिए. प्लांट्स नीड वाटर टू मेक देयर फूड. प्लांट्स को भी वाटर की ज़रूरत होती है ताकि वो अपना फूड जो है वो प्रिपेयर कर सके. ये देखिए, देयर इज़ अ बॉय. ये एक बॉय है और ये क्या कर रहा है? ड्रिंकिंग वाटर. एंड इन दिस पिक्चर बाथिंग with water, watering plant, cooking, इन सब के लिए हमको किसकी ज़रूरत होती है? वाटर की ज़रूरत रहती है. सबसे पहले तो हमें ज़िंदा रहने के लिए. अगर आप एक दिन पानी नहीं
दो दिन कोई पिएगा तो वो जिंदा नहीं रह सकता। हाउ डू वी गेट वाटर? अब ये तो ठीक है, वाटर की ज़रूरत है, लेकिन हमको वाटर कहाँ से मिलता है? रेन इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर। जो रेन है वो मेन सोर्स है किसका? वाटर का। रेन वाटर गेट्स कलेक्टेड इन लेक्स, पॉन्ड्स, सीज, ओशियंस एंड रिवर्स। जो रेन वाटर होता है वो कहाँ कलेक्ट होता है? लेक्स में, पॉन्ड्स में, सीज, ओशियन एंड रिवर, यहाँ यहाँ पर रेन वाटर कलेक्ट होता है। वी गेट वाटर फ्रॉम वाटर बॉडी सच एज लेक, पॉन्ड्स एंड रिवर्स। हम लोग को पानी कहाँ से मिलता है? लेक्स से, झील से, पॉन्ड से, तालाबों से और रिवर से। फिर इसको प्योरीफाई किया जाता है। ठीक है बेटा, इन सब में तो पड़ा पड़ा गंदा हो जाता है, तो फिर इसको प्योरीफाई करके वाटर सप्लाई वाले हम लोग के टैप्स तक इनको सप्लाई करते हैं। ले देखिए पिक्चर बना, लेक, पॉन्ड एंड रिवर का। वाटर इज क्लीन बिफोर इट रीचेज आर हाउस। जैसे अभी हमने आपको बताया कि पानी को साफ किया जाता है इससे पहले कि वो हमारे घर पर आए। We need to be boiled and filter before drinking. हम लोग को क्या करना चाहिए? हम लोग को वाटर, जो ड्रिंकिंग वाटर हम लोग स्टोर करते हैं, उसको स्टोर करने से पहले उसको क्या कर लेना चाहिए? उसको बॉयल कर लेना चाहिए, उसको फिल्टर कर लेना चाहिए। If we drink unclean water, अगर हम लोग unclean water, dirty water पियेंगे, we may fall sick. हम लोग क्या होगा? हम लोग को, हम लोग बीमार पड़ जाएंगे। वी मे फॉल सिक्स, हम लोग को डिसीजेज हो जाएंगी। इन विलेजेस देयर इज यूजुअली नॉट इनफ वाटर फॉर डे टू डे एक्टिविटीज। जो विलेजेस होते हैं, गांव होते हैं, वहाँ पे इतना पानी नहीं होता कि वो अपनी डेली की एक्टिविटीज को कर लें। People get water from hand pump. वहाँ पे क्या होता है? Hand pumps होते हैं, ponds होते हैं और river, well and lake. Hand pump सब बच्चों ने देखा होगा, एक hand pump होता है, उसको push करते हैं तो उसमें से पानी निकलता है पाइप को उसके। और ponds, ponds means तालाब, river, नदी, wells, कुएं and lakes means झील से। When there is less rain, जब पानी कम बरसता है, wells and ponds do not have enough water. जो wells होते हैं, कुएं और तालाबों में पानी नहीं रह जाता है। When this happens, people have to walk long distance to get water. ऐसा होने पर क्या होता है कि वो बहुत दूर, जो पीपल होते हैं, लोग होते हैं, उन्हें बहुत दूर तक पैदल चलना पड़ता है टू गेट वाटर, पानी को पाने के लिए। सेविंग वाटर, नाउ यू नो वाटर इज वेरी प्रीशियस इन आर लाइफ। हमारी लाइफ के लिए वाटर बहुत ही प्रीशियस है। वाटर फ्रॉम सी, जो पानी सी समुद्र और ओशियन महासागर का पानी जो होता है, इज़ वेरी सॉल्टी, उसमें नमक की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। दिस वाटर कैन नॉट बी यूज्ड फॉर कुकिंग। इसको हम लोग कुकिंग के लिए एंड ड्रिंकिंग के लिए यूज़ नहीं कर सकते, बिकॉज इट इज़ वेरी सॉल्टी, उसमें नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। देयर इज़ ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट ऑन अर्थ विच इज़ फिट फॉर डेली यूज़। जितना भी अर्थ में वाटर है वो क्या है? जितना भी अर्थ में वाटर है वो, उसमें बहुत ही कम वाटर ऐसा है जिसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ में। फिर से पढ़िए, दिस इज़ ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ, बहुत ही थोड़ा वाटर है प्रेजेंट ऑन अर्थ, हम लोग की अर्थ पे, विच इज़ फिट फॉर डेली यूज़, डेली यूज़ के लिए जो हम लोग की फिट है। वी मस्ट नॉट वेस्ट इट, हमें पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए। वी शुड, हमें क्या करना चाहिए ताकि पानी वेस्ट
ना हो। नंबर वन, टर्न ऑफ ऑल टैप्स प्रॉपरली एंड फिक्स ऑल लीकिंग पाइप्स। हम लोग को क्या करना चाहिए, जो हम लोग वाटर यूज कर लेते हैं, वी शुड टर्न ऑफ द टैप्स। जितने भी टैप्स होते हैं हमें उनको टर्न ऑफ कर लेना चाहिए प्रॉपरली, कस के। एंड फिक्स ऑल लीकिंग पाइप्स, अगर कोई पाइप लीक कर रहा है तो उसको भी ठीक करवा लेना चाहिए। नॉट लीव द टैप्स और शावर रनिंग वाइल बाथिंग और ब्रशिंग आर टीथ। जब हम लोग ब्रश करते हैं या बात करते हैं तो हम लोग को टैप एंड शावर को रनिंग, रनिंग मतलब चलता हुआ नहीं छोड़ देना चाहिए। यूज अ बकेट एंड मग फॉर बाथिंग। बाथिंग के लिए हम लोग को शावर नहीं यूज करना चाहिए, वी शुड यूज बकेट एंड मग। अवॉइड यूजिंग शावर, शावर को हम लोग को नहीं यूज करना चाहिए, बहुत कम यूज करना चाहिए। यूज अ वाटरिंग कैन टू वाटर प्लांट। प्लांट को वाटरिंग के लिए क्या करना चाहिए, वाटरिंग कैन का यूज करना चाहिए। मार्केट में आता है वाटरिंग कैन, इसी को यूज करना चाहिए और पाइप को यूज नहीं करना चाहिए। बॉयल, बॉयल का क्या मतलब होता है, कोई चीज को हम लोग गैस पे रख देते हैं और पानी बॉयल, बॉयलिंग वाटर होता है, क्यों, ताकि उसमें से जितने भी जम्स हैं, बबल्स हैं, वो बबल आने लगते हैं। बॉयल करने से क्या होता है, पानी में बबल्स आने लगते हैं। फिल्टर टू रिमूव समथिंग विच इज नॉट नीडेड, जो हम लोग को ज़रूरत नहीं है उसको हम लोग फिल्टर कर देते हैं, मतलब साफ चीज उसमें से छन के आ जाती है। सॉल्टी समथिंग दैट हैज़ टू मच सॉल्ट इन इट, सॉल्टी किसको कहेंगे, जिसमें बहुत सारा नमक होता है, ठीक है। कलेक्ट रेन वाटर एंड रीयूज, हम लोग को क्या करना चाहिए, जो रेन वाटर होता है उसको कलेक्ट करना चाहिए। एंड रीयूज फॉर वॉशिंग कार्स, कार्स वॉशिंग करने के लिए, वाटर प्लांटिंग के लिए हम लोग रेन वाटर यूज कर सकते हैं। ओके, फन टाइम, लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो, सर्कल द एक्टिविटीज विच, एक्टिविटीज फॉर विच द गर्ल इज यूजिंग वाटर। उस एक्टिविटी को सर्किल करिए जो जिसमें जो गर्ल है वो वाटर का यूज कर रही है, ये देखिए। ओके, शी इज ड्रिंकिंग वाटर नाउ। अब हम लोग क्या करेंगे, अब ये क्लास कल सब बच्चे इसको पूरा करेंगे, ठीक है। इस चैप्टर को मैं कल फिनिश करूँगी। एंड योर होमवर्क इज राइट वन पेज हैंड राइटिंग इन योर ट्यूशन कॉपी। कहाँ से कहाँ तक करेंगे, सेविंग वाटर, यहाँ से राइटिंग आपकी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। डब्ल्यू लिख दिया है, दैट मीन्स यहाँ से आपको राइटिंग करनी है, यहाँ से राइटिंग स्टार्ट करेंगे और वाटरिंग प्लांट्स तक सब बच्चों की राइटिंग हो जानी चाहिए। ये देखिए कहाँ से राइटिंग करेंगे, वाटर फ्रॉम सी से, ठीक है। ये आपकी राइटिंग है, यू शुड राइट एंड इन योर SST कॉपी ड्रॉ दिस पिक्चर पॉन्ड, लेक, पॉन्ड एंड रिवर। आप नया चैप्टर स्टार्ट कर दीजिए कहाँ, प्लेन शीट पे, जहाँ नेक्स्ट चैप्टर आप लिखेंगे रूलिंग वाली साइड के इस लेफ्ट साइड पे प्लेन शीट ऑफ पेपर होता है, प्लेन शीट ऑफ पेपर पे सब बच्चे ड्राइंग करेंगे, किसकी, लेक की, पॉन्ड्स की एंड रिवर की। और जो आपकी ट्यूशन कॉपी है, इंग्लिश वाली ट्यूशन कॉपी, उसमें सब बच्चे सेविंग वाटर हेडिंग डाल के राइटिंग करेंगे, वाटर फ्रॉम सी से लेकर वाटरिंग प्लांट तक। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो में मैं चैप्टर कंप्लीट करा दूंगी। ओके चिल्ड्रन, गुड डे।